ओके तो अभी मैं समन करने वाला हूँ इतने सारे बिदर को। हाँ पता है 100 बोला था, गिनती में 30-40 इधर उधर हो गया होगा, ये सब होता रहता है। लेकिन लेट्स गो, फटाफट समन किया जाए इन सभी बिदर को और इन सभी को एक पंच में ही उड़ा दिया जाए। फ्लैशबैक, आज हम लोग माइनक्राफ्ट में बनने वाले वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो वन पंच मैन। बट एपिक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट तो गोकू है ना? मैं नहीं मानता, क्योंकि मेरा फेवरेट तो वन पंच मैन है, तो मैं इसे ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोलूंगा। एंड जिन लोगों को नहीं पता वन पंच मैन कौन है, मैं उन्हें बता दूं, वन पंच मैन किसी भी बादाम को एक पंच में मार के चटनी बना सकता है। और अगर अभी तक नहीं समझ में आया तो वीडियो पूरा देखना, समझ में आ जाएगा। लेट्स गो, तो फटाफट हम लोग का मतलब मेरा फेवरेट सुपर हीरो बना जाए वन पंच मैन। लेकिन रुक जाओ, ये सब कौन है? वन स्कल मैन। इधर ये कौन है? वन ब्लास्ट मैन। ठीक है, ओके, आई होप सो मेरा हालत कुछ इन लोगों जैसा ना हो जाए। तो लेट्स गो, सबसे पहले है यहाँ पे 3 लेवल है, लेवल 1 से स्टार्ट किया जाए। एंड ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे पकोड़ करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, कर लूंगा। तुम लोग को तो वो फेमस डायलॉग याद ही होगा, गिर ले तो गिर ले बेटा, जो मुझे यहाँ पे नहीं करना होगा। ओके ओके, अभी तक एक बार भी नहीं गिरा। एंड ठीक है, बच गया। अभी मैंने क्या बोला? ठीक है, पता नहीं मेरी भी जुबान लड़खड़ाती रहती है, लेकिन ये जंप मैं मिस नहीं करूंगा। फाइनली मेरी सदियों सालों की ट्रेनिंग काम आ रही है। तो ओके ओके, ये बड़ा इजी है। पहले मुझे ये सारे जंप बहुत हार्ड लगते थे, लेकिन एक बार तुम लोग को ट्रिक पता चल जाए ना, तो फिर ये सारा इजी हो जाता है। तो तुम लोगों को मेरे जैसा पेड़ो होना है ना, तो फटाफट वीडियो पर लाइक मार दो, तुरंत पेड़ो बन जाएगा। गाइज, मैं तो सब्सक्राइब करने की बात कर रहा था, लाइक मारने के बारे में किसने बोला? हाँ, तुम लोग को सबको सब्सक्राइब करना है मेरे जैसा पेड़ो बनने के लिए। ओके, आराम से, इस बार नीचे नहीं गिरना है, पिछली बार यहीं पे गिरा था। लेकिन बच गया। और अब मुझे स्लाइम वाला जंप करना पड़ेगा, ये सब तो आसान। अब मैं ना किसी भी चीज को आसान नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हार्ड है। देखना, बहुत ज्यादा हार्ड है। ओ माई गॉड, देखा ना, मतलब कुछ भी। ऐसा क्यों भाई, जब भी आसान बोलता हूँ उसी इंस्टेंट में मर जाता हूँ। बट सच्ची बताओ तो ये सच्ची में आसान लग रहा है देखने में। इजी, फिर यहाँ पे ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा हार्ड है। ओके, और ये चीज तो ओ माय गॉड, 7 जन्मों में भी शायद मैं ये ना कर पाऊं। अरे यार सिट, इस बार ये ट्रिक फेल कर गया। पिक बेटे, इस बार कर लेना प्लीज, तुम्हें तुम्हारी होने वाली गर्लफ्रेंड की कसम। बच गया। ओहो, इस बार ये मंत्र काम कर गया, लगता है मुझे हर बार यही मंत्र बोलना पड़ेगा। ओके, तो शायद ये फाइनल स्टेज है, उसके बाद मुझे वन पंच मैन की कुछ पावर्स मिलेगी सारी। नहीं, यहाँ पे एक एक करके स्टेज पार करते जाऊंगा, फिर मुझे वन पंच मैन की पावर मिलती जाएगी। और मेरे साथ स्कैम हो गया, अरे एक भी पावर नहीं मिली। हेलो, कुछ कहीं पे छुपा रखा है क्या? रुक जाओ, शायद ये स्टेज क्रॉस करने के बाद पावर मिलेगा। ये थोड़ा सा आसान लग रहा है देखने में, ट्राई करता हूँ। ये हनी ब्लॉक वाला ट्रिक तो मुझे पता है, बट मैंने ट्राई कभी नहीं किया। ओके, उतना भी हार्ड नहीं है, बस ये हनी ब्लॉक वाला जंप देखने में हार्ड लगता है। एंड रुक जाओ, यहाँ पे एक चेस्ट छुपा रखा है। ओ बाबू भैया, क्या मैं इसे नहीं खुल पाऊंगा? ओके, तो आई गेस मुझे इस चेस्ट तक किसी तरह पहुंचना है। ठीक है, ये तो कर लूंगा, लेकिन सबसे पहले ये पकोड़ तो करने दो। ओके, सच्ची में इजी है, या फिर शायद मेरे लिए बस इजी है, तुम्हारा भाई खिलाड़ी है, खिलाड़ी। अब मैंने खुद को खिलाड़ी तो बोल दिया, बस मैं यहाँ पे अनाड़ी वाली हरकते नहीं कर दू। चलो ठीक है, एंड उसके बाद अरे नहीं भाई, क्या हो गया, मैं पहुंच ही गया था वहां पे। यार अच्छी बात नहीं है ये सब, अब मुझे बार बार ये सारी चीजें दोबारा करनी पड़ेंगी, कितनी गंदी बात है बताओ तो। ओके, इस बार हरकतें मत करना, ईपिक इस ब्लॉक पे लैंड नहीं कर पाया। मेरी मम्मी कहती है बार बार, 3 बार तो। ओके, मेरी मम्मी सही कहती है, आ गया मैं यहाँ पे। अब बस मुझे बिना नीचे गिरे हुए चेक पॉइंट तक पहुंचना है। प्लीज ईपिक, प्लीज हरकतें मत करना, तुम कर सकते हो, यू आर द खिलाड़ी, यू नंबर वन खिलाड़ी, प्लीज कर लेना। हे भगवान, ये जंप थोड़ा सा लंबा है, लेकिन मैं कर सकता हूँ, इजी था। इधर आ गया। एंड फाइनली यहाँ पे मुझे मिल गया है बिग पंच। ओके, तो वन पंच मैन का पहला पावर मुझे मिल गया है, लेट्स गो, अब चला जाए दूसरा पावर लेने। ये आ गया हूँ मैं लेवल 2 पे। टोटल यहाँ पे 3 लेवल है, जिसमें से पहला लेवल मैंने क्रॉस कर लिया, पहला पावर भी मिल गया, और ये आ गया दूसरा लेवल। ओ भाई, इतना अंधेरा क्यों है? Come on man, अंधेरा कर देते यहाँ पे, बच्चे को कैसे दिखेगा? कोई बात नहीं, आई कैन डू दिस। तो अब मुझे जाना है सामने, क्या करूँ? ओके, अंधेरा खत्म हो गया, तो फिर लाने का ही नहीं था जब खत्म ही करना था। ओके, कोई बात नहीं, एंड फिर से अंधेरा मुझे मिल गया। वेट ए सेक, मुझे लगता है चक्कर भी आने लगा है। गाइस, लगता है कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हो गया। कुछ भी,
चेक पॉइंट तो ले लिया मैंने, लेकिन भाई मैं यहाँ पे पार्कोर कैसे करूंगा? ये देखो मुझे यहाँ पे बस चक्कर ही आए जा रहे हैं। ओके ओके, चक्कर आना तो रुक गया, तो अब बस मुझे ये स्लाइम वाला जंप करना पड़ेगा। कम ऑन मिस्टर इपिक, यू कैन डू दिस, आई कांट डू दिस। यार ये कैसे करूँ, डायरेक्ट यहाँ से ऐसे 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 करके? ओके ओके ओके, समझ गया, इस बार पक्का कर लूंगा। मुझे डायरेक्ट यहाँ पे स्पीड में लगातार जाना होगा, एंड लेट्स गो। कर लिया मैंने, फिर से चक्कर आने लगे। पक्का लगता है रात को मैंने कुछ उल्टा सीधा खाया होगा, तभी ऐसी मेरी हालत हो गई, एंड शायद मैं आ चुका हूँ लेवल 2 के पार्ट 2 में। बट अच्छी बात यह है, वो देखो मुझे सामने चर्च दिख रहा है, वहाँ पे हम लोगों को अपनी सेकंड पावर मिल जाएगी। तो अब बस मुझे यहाँ पे हेड हीटर जंप करना पड़ेगा, और ये सारे जंप आसान होते हैं। मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो फालतू का ही इसे हार्ड बोल रहा था। चलो चेक पॉइंट भी मिल गया, लेकिन फिर से एक बार हेड हीटर जंप करना पड़ेगा। ओके फिर से कर लिया, नौजिया आ गया, लेकिन फिर से कर लिया, ये शायद आखिरी हेड हीटर जंप है। ओके 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 ओके, कर लिया मैंने, अब मुझे बस यहाँ पे जाना है, उसके बाद यहाँ पे जाना है, और अब कहाँ जाना है भाई? अच्छा ऊपर से रास्ता है भाई, इन लोगों ने तो बड़ा दिमाग लगा दिया। ओके इजी इजी इजी, और ये नॉट इजी, इस बार आराम से करूंगा तब इजी हो जाएगा। ओ भाई बच गया, अरे यार ये चक्कर कब खत्म होगा? चलो चलो चलो, ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया, तो अब तो आसान हो गया। बस आई होप यहाँ पे कोई तिगड़म बाजी ना हो। तो ओ, फिर से पता नहीं कौन सा इफेक्ट मिल गया, स्लोनेस मिला है, लेकिन दो चीजों को स्लो नहीं कर सकते, इपिक और डिपिक, और दोनों मैं ही हूँ। ओके गाइस, तो फाइनली हम लोगों को सेकंड पावर मिल गया, नॉर्मल पंच। तो अब बस एक और पावर बचा है, वो है पता नहीं कौन सा पावर, वो लेना पड़ेगा, वो पावर मुझे मिलेगा इस लेवल पे। तो ओ ये रहा चेस्ट, लेकिन मैं इसे तोड़ के वहां पे नहीं जा सकता, तो अब मुझे पहुंचना होगा उस चेस्ट के पास, लेकिन कैसे, व्हाट द हेल, कैसे पहुंचूंगा यहाँ पे? तो कुछ जंप करने के लिए है ही नहीं। कम ऑन इपिक, कम ऑन, अपना बिग ब्रेन लगाओ, कुछ तो कुछ तरीका होगा। रुक जाओ, कहीं पे कोई इनविजिबल ब्लॉक है क्या? हेलो 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 हेलो, दिख भी नहीं रहा कोई इनविजिबल ब्लॉक, बस ऐसे ही माता रानी का नाम लेके जंप कर जाओ। ओ रुक जाओ, इनविजिबल ब्लॉक था यहाँ पे, मैंने गलती से उस पे जंप कर दिया था। ओके देखो, बोला ना इनविजिबल ब्लॉक है यहाँ पे। अच्छा, मैं समझ गया, यहाँ पे कुछ मिरर वाला कॉन्सेप्ट है। ये जो सामने ब्लॉक दिख रहा है उसके ठीक सामने इनविजिबल ब्लॉक भी है। ओके तो अगला इनविजिबल ब्लॉक आई गेस यहाँ पे होना चाहिए, मैंने सही गेस किया। कभी कभी तो मुझे मेरे साइंटिस्ट वाले दिमाग की जरूरत भी नहीं पड़ती। ओके तो अब अगला ब्लॉक होगा यहाँ पे, सही गेस किया, अब उसके बाद होगा यहाँ पे, प्लीज सही गेस करना। ओके भाई अभी तक मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, वहां से यहाँ आ गया बिना मरे हुए, अब बस यहाँ पे भी ना मर जाऊं। ठीक है, तो फाइनल लेवल शायद इस साइड है। ओ भाई बच गया, अच्छा अब इस साइड जाना होगा। ओके मैं दोबारा आ गया यहाँ पे, इस बार गिर के नहीं मरूंगा। ओ भाई चलो डायरेक्ट यहीं पे आ गया, अब तो ये सारा आसान है। जब मैंने इनविजिबल वाले में ये सारी चीजें कर ली, तो अब विजिबल वाले में क्या दिक्कत होगा? इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, एंड आ गया फाइनल लेवल पे। हम लोगों को फिर से सारा सामान मिल गया। ओ वेट अ सेक, सारा सामान मेरा गायब हो गया था, लॉल मैंने ध्यान भी नहीं दिया। लेकिन ये देखो गाइस, हम लोगों को मिल गया है बिग पंच, नॉर्मल पंच, एंड फाइनली सुपर पंच, जो कि बूट्स में है, मतलब मैं पैर से पंच मारूंगा। किक नाम का शब्द है ही नहीं इनके डिक्शनरी में, कोई बात नहीं, लेकिन ये सारी चीजें पहन लेते हैं, एंड टडा तुम्हारा भाई बन गया वन पंच मैन। अब बस टकलू बन के आने दो। ए फ्यू मिनट्स लेटर, तो अभी मैं आ रहा हूँ बार्बर की दुकान से, पूरे के पूरे 150 रुपया लिया है उसने बाल काटने के, लेकिन फाइनली अब मैं बन चुका हूँ वन पंच मैन। अब इसकी पावर ये है कि मैं जिसे भी वन पंच मारूंगा वो एक बार में टपक जाएगा। ये देखा तुम लोगों ने? नहीं देखा तो फिर से दिखाता हूँ, ये देखो ये भी टपक गया, हर कोई इसकी पावर से एक पंच में टपक जाएगा। और ये अभी मैं बीक वाला पावर बस यूज कर रहा हूँ, अब नॉर्मल वाला पावर यूज किया जाए तो ये देखो, ओ भाई ओ माय गॉड, कुछ ज्यादा ही तबाही मच गया, देखा ना क्या खतरनाक पावर इसके पास, एंड मैं एक खतरनाक सा जंप भी मार सकता हूँ। ये देखो एक बार फिर से दिखाता हूँ, ये देखो, ओ भाई कुछ ज्यादा ही फास्ट हो गया, देख ही नहीं पाया। एक बार फिर से ट्राई करता हूँ, ये देखा तुम लोगों ने मैं कितना दूर उछल के आ गया। ये देखो सामने विलेज भी है, रुक जाओ अब यहाँ पे तबाही मचाया जाए, यहाँ पे मजा आएगा। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा अब अपना सुपर सीरियस पावर, और देखा जाए इससे क्या होता है। ओ भाई ये देखो तुम लोगों ने, ओ माय गॉड भाई, तवाही पे तवाही मचा जा रहा है, ये तो एकदम ड्रिलिंग मशीन जैसा हो गया। हे, एक बार फिर से ट्राई किया जाए, ये देखो भाई खतरनाक मजा आ गया। भाई ऐसा पावर मुझे रियल लाइफ में भी चाहिए। रुक जाओ, इस गोलम को बच्चे को बताता हूँ, ये देखो
ये बन पंच में ये भी टपक गया। देखा बोला ना, जिसे भी मारूंगा वो सभी बन पंच में टपक जाएंगे। ये भी देखो, ये भी उड़ गया हवा में। भाई मजा आ रहा है मुझे। तो अब मैंने बहुत सारे बिग मॉब्स को तो बुली कर लिया, अब बारी है उस बिदर की। उसका भी तो हक बनता है मेरे से पंच खाने का। चलो तो अब इस बिदर को भी समन किया जाए। एंड प्लीज ये मत बोलना भाई क्रिएटिव मोड का यूज किया है। ऑफकोर्स गाइज मैंने यही किया। अब बस एक पंच में तो इसका काम तमाम हो जाएगा। अब उसके लिए कौन उतना ज्यादा मेहनत करेगा, खासकर मेरे जैसा आलसी यूट्यूबर। तो चलो ये बिदर का बच्चा आ रहा है अब मेरे पास, इसे अभी बताता हूँ। अरे भैया मुझे अभी रियलाइज हुआ, इसे मैं पंच कैसे मारूंगा, ये तो हवा में उड़ता रहता है। अरे नहीं नहीं, उछल उछल के मार सकता हूँ। एंड ये देखो एक पंच में, भाई 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 व्हाट द हेल, ये तो पूरा पता नहीं पाताल लोक में पहुंच गया। पाताल लोक में भी नहीं, ये तो यूनिवर्स के बाहर ही पहुंच गया। ये तो कुछ ज्यादा ही ओपी पावर हो गया। मन नहीं भरा, अब 100 बिदर से पंगा लूंगा एक बार में। A little longer than a few minutes later. Okay, तो अभी मैं समन करने वाला हूँ इतने सारे बिदर को। हाँ पता है 100 बोला था, गिनती में 30-40 इधर उधर हो गया होगा, ये सब होता रहता है। लेकिन लेट्स गो, फटाफट समन किया जाए इन सभी बिदर को और इन सभी को एक पंच में ही उड़ा दिया जाए। अरे अरे अरे, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, लोगों ने अपने भाई बहन को पैदा होने ही नहीं दिया। कोई बात नहीं, लेकिन अब वो टाइम आ चुका है जब मैं एक पंच में इन सभी को टपकाऊंगा। और ये दे दिया मैंने इन्हें सुपर सीरियस सीरियस पंच। और भाई भाई भाई, ये लोग तो हवे में उड़ते ही जा रहे हैं। काम तमाम, खत्म, टाटा बाय बाय हो गया इनका। यार एक बार में काम तमाम हो गया इनका। और इस नमूने को देखो, ये सोच रहा है ये मुझे हरा देगा। ओके तो आज तो मैंने यहाँ पे लिटरली तबाही मचा दी। लेकिन जाने से पहले, क्या आप लोगों ने मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन किया? वैसे मैं तो वहाँ पे 3-4 महीने से एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन 2 मिलियन पे पक्का कुछ ना कुछ स्पेशल करूंगा वहाँ पे। तो फटाफट 2 मिलियन करवा दो एंड डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।